अंदर आयरन पिलर है जो कि हजार साल से खड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। और इस पे आप पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ दिखाई देगा आपको इसमें, अगर हम इसको कैप्चर कर पाए अपने मोबाइल के कैमरा से। ये देखिए पाली लैंग्वेज, और जो और ज्यादा आश्चर्यजनक है वह है संस्कृत में इसमें यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। हम कोशिश करेंगे इस कैमरा में दिखाने की। ये देखिए संस्कृत में कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं और कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वीराज का चौहान, पृथ्वीराज का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री महाराज पृथ्वीराज जी। और एक डेट भी लिखी हुई है देवनागरी लिपि में ही, 1159। Structure in the premises of Qutub Minar. If it is being built by Qutubuddin Aibak, then what is this temple-like structure doing there? Because these pillars clearly shows Hindu carvings. Like this is in temple, you can see, and there's a deity of a god, like in Hindu temples, and it has been broken and tried to. An effort is being made to try to erase it, but still it is a Hindu carving. You can see the bells at the pillar.